राजधानी दिल्ली में 28 फरवरी को निगम के उपचुनाव का जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। तमाम पार्टियां जी जान से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। भाजपा अपना जीत का दावा भी ठोक रही है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए सांसद मनोज तिवारी कैंपेनिंग के लिए पहुंचे और उन्होंने जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल मेरे 5 सवालों का जवाब दे और अपनी 6 साल की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट को दें। राजधानी में जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। केजरीवाल अपनी सरकार के कार्यों को सुधारें, तब जवाब दें। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी का, सुनिए आप भी। देखिए, जब ये 6 साल रवि जरा आईडी सही करना दिख भी नहीं रहा, हमें ग्राउंड की रिपोर्ट तो लेनी पड़ेगी। अब ग्राउंड पे तो लोग कर रहे हैं कि इस 6 साल में हमको साफ पानी तक नहीं मिला, कुछ नहीं देख रहे। लोग कह रहे हैं कि हमारे हर जगह पार्क जो थे वो कूड़े बन रहे हैं, कूड़ा घर बन रहे हैं, सीवर नहीं है। लोगों को किसी भी क्षेत्र में दिल्ली में पहले से ज़्यादा परेशानियां हो गई हैं। यहां तक कि झुग्गियों में भी लोगों के पानी के बिल आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये 6 साल करते क्या रहे, तब हमें कहना पड़ता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के 6 साल सिर्फ लूट के रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के रहे हैं और कुछ जमीन पे कोई भी जनता का व्यक्ति एक भी संतुष्ट नहीं दिख रहा। क्या लगता है सर, आपको ये भाजपा को ही वोट क्यों पड़े? इसलिए पड़े कि इस 1.25 साल में हम कल्याणपुरी को ये बताएंगे कि भाजपा के पार्षद कम संसाधन में भी किस प्रकार से अपने क्षेत्र को हरा भरा, पार्क से युक्त और समस्याओं से मुक्त रख रहे हैं। क्या लगता है उपचुनाव में कौन से मुद्दे आपके अहम रहेंगे जो क्षेत्र में हैं? देखिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का हो, विधायक भी आम आदमी पार्टी का हो और पार्षद भी आम आदमी पार्टी का हो, और तीनों के रहते हुए अगर इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो, नारकीय स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में तो हमें पूरा विश्वास है कि अब लोग इस 1.25 साल में हमारे सियाराम कन्नौजिया को जिताकर और एक झटका आम आदमी पार्टी को जरूर देंगे। सर, निगम में भाजपा का ही शासित है, भाजपा शासित निगम है, फिर भी इतनी गंदगी इलाके में क्यों है सर? देखिए, एक तो यहाँ पर हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, जहाँ जहाँ हमारे पार्षदों के क्षेत्र में चलिए आप देखिए, ये 13,000 करोड़ रुपया रोके हुए हैं, लगातार सफाई कर्मचारियों को परेशानी हो रही है, फिर भी जिस स्तर का काम हम सब कर रहे हैं, हमको लैंड साइट, ये जो लैंडफिल साइट ख़त्म करने के लिए भी केंद्र से पैसा लाना पड़ रहा है और यहाँ का पैसा वेस्ट हो रहा है, तब हमको कहना पड़ता है कि मेरे दिल्ली के लोगों, आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है, अब आप इस चुनाव में भी हमें वोट दें और आगे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205,
11-4781-8312, 9-9-10-41-8312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।